नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कंपटीशन कम्युनिटी में। मैं हूं आनंद कुमार और आज के इस लेक्चर में हम पिछले कुछ दिनों का छत्तीसगढ़ करंट अफेयर एनालिसिस करने जा रहे हैं। लास्ट टाइम हमने 15th ऑफ जनवरी तक जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे इन सब का एनालिसिस हमने कर रखा है। आज के इस लेक्चर में 16 जनवरी से लेकर 31st ऑफ जनवरी तक जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन सब का यहाँ एनालिसिस करेंगे। जो लोग भी 14 फरवरी 2021 को CGPSC प्रीलिम्स देने जा रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ 15 जनवरी तक के ही करंट अफेयर पढ़ेंगे, उसके आगे का पढ़ने की आवश्यकता आपको नहीं है। जो लोग भी आने वाले समय में CGPSC का मेंस का एग्जामिनेशन देने वाले हैं, 2021 का जो CGPSC कंडक्ट किया जाएगा 2022 में आपका एग्जामिनेशन होगा। इसके अलावा व्यापम का जो तैयारी कर रहे हैं या फिर यूं कह लो कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स कंडक्ट कराए जाएंगे आने वाले समय में, उन सब के लिए ये सेशन बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो आने वाले समय में जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होने वाले हैं अगर आप उसकी तैयारी कर रहे हो तो इस सेशन से जुड़कर बिल्कुल कर सकते हो। हाँ, लेकिन जो 14 फरवरी 2021 को जितने भी लोग एग्जाम देने जा रहे हैं वो 15 जनवरी तक के ही करंट अफेयर को पढ़ेंगे। और हालांकि ये 15 दिन में आपको ये सेशन मिल रहा है, थोड़ा सा लेट हो गया, मैराथन चल रहा था, रिवीजन चल रहा था, उस वजह से थोड़ा सा लेट हुआ, लेकिन अब से रेगुलर आपको वीकली जो है ये छत्तीसगढ़ करंट अफेयर मिलता रहेगा नॉनस्टॉप, कभी नहीं रुकेगा, ना कभी रुका है। जब से हमने इसे शुरू किया है तब से हम कंटिन्यू हैं, यानी कि आपके प्रिपरेशन को लेकर हम बहुत सीरियस हैं और हर एक टॉपिक को बेहतर तरीके से कवर करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आपका एक भी इंपॉर्टेंट टॉपिक ना छूटे। तो इस वीकली सेशन से करंट अफेयर्स का बेहतर प्रिपरेशन करते रहें, चाहे प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन हो चाहे मेंस का एग्जामिनेशन हो। मेंस में भी करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वैल्यू एडिशन में बहुत सारे डेटा आपको मिलते हैं, बहुत सारे स्कीम्स मिलते हैं और भी बहुत सारे फैक्ट मिलते हैं जो आपके मेंस के आंसर राइटिंग का वैल्यू एडिशन का काम करता है और आपके आंसर राइटिंग को वैल्यूएबल बनाता है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। लेकिन पिछले वीडियो में हमने जितने भी टॉपिक एनालिसिस किया था उसके आधार पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन है, 16 जनवरी से पूरे देश में COVID-19 वैक्सीनेशन शुरू किया गया, इसके तहत छत्तीसगढ़ में सबसे पहले वैक्सीन किसे लगाया गया है? ऑप्शन आपके सामने इस प्रकार से रहा, आंसर आप नीचे कॉमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर यूथ प्रोग्राम के फेज 2 के लिए छत्तीसगढ़ के कितने छात्रों का चयन हुआ है? ऑप्शन आपके सामने इस प्रकार से रहा, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। हाँ, और अगर अभी तक आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले पिछला वीडियो को देखिए, उसके बाद ही इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिएगा। अगला क्वेश्चन, राज्य वीरता पुरस्कार 2020-21 के लिए प्रदेश के कितने बहादुर बच्चों का चयन किया गया है? ऑप्शन आपके सामने इस प्रकार से रहा, आंसर आप नीचे कमेंट सेक्शन में करिएगा। ठीक, चलिए अब आज के अपने एनालिसिस वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहला टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपका प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन हो चाहे मेंस का एग्जामिनेशन हो। मेंस के एग्जामिनेशन में भी आप वैल्यू एडिशन कर सकते हैं इस टॉपिक की मदद से, अगर जहां भी आपको लगे कि इस टॉपिक का इस्तेमाल वैल्यू एडिशन के तौर पर किया जा सकता है, इस टॉपिक में किया जा सकता है, इस टॉपिक्स में किया जा सकता है, वो आपके मेंटल एबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो है इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020। तो सबसे पहले ये समझिए कि इस रिपोर्ट को किसके द्वारा रिलीज किया जाता है। तो इस रिपोर्ट को रिलीज किया जाता है प्रतिष्ठित टाटा ट्रस्ट की ओर से। इस रिपोर्ट को बहुत ही वैल्यू दिया जाता है पूरे इंडिया में। इस रिपोर्ट का नाम, जैसे मैंने आपको बताया कि इंडिया जस्टिस रिपोर्ट है, यानी कि नाम से ही क्लियर है कि इस रिपोर्ट को किस उद्देश्य के साथ में जारी किया जाता है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट का जो मेन उद्देश्य है वो है कि देश के राज्यों में कानून की व्यवस्था किस प्रकार से है, वहाँ लोगों को कानून से किस प्रकार से सुविधाएं दी जा सकती है। तो इन सब आधार पर इंडिया जस्टिस रिपोर्ट टाटा ट्रस्ट की ओर से तैयार किया जाता है। 2020 में छत्तीसगढ़ को पुलिसिंग के क्षेत्र में देश भर में दूसरा रैंक दिया गया है। हालांकि पुलिसिंग के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ को पूरे देश भर में सेकंड नंबर पर रखा गया है। इसके अलावा जो अलग अलग कैटेगरी है उसमें छत्तीसगढ़ की स्थिति किस प्रकार से, उस पर भी हम नजर डालेंगे। लेकिन सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए बनता है वो ये कि इस रैंकिंग का जो एक कैटेगरी है पुलिसिंग, इस कैटेगरी में छत्तीसगढ़ को कौन सा स्थान मिला है, तो ये सबसे सर्वोच्च रैंक है दूसरा, इस बात को ध्यान रखिएगा। और जब 2019 का यही रिपोर्ट रिलीज हुआ था तो पुलिसिंग में छत्तीसगढ़ को 10वां स्थान प्राप्त हुआ था। क्लियर है? तो 2019 में 10वां और 2020 में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। यह पुलिसिंग का रैंकिंग है। अगर हमने यहां पर छत्तीसगढ़ की रैंकिंग सेकंड बात की तो पहले स्थान पर है कर्नाटक,
तीसरे स्थान पे है ओडिशा, चौथे पे आंध्र प्रदेश और पांचवे पे है तमिलनाडु। इस मैप में भी देख सकते हो, इसमें भी रैंकिंग लिखा हुआ है, ये छत्तीसगढ़ का दूसरा, कर्नाटक का पहला और तीसरा ओडिशा का। टॉप थ्री आप याद रखिएगा, इससे ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है। तो याद रखिएगा कि इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 में पुलिसिंग कैटेगरी में छत्तीसगढ़ को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है पूरे देश भर में, यानी कि छत्तीसगढ़ की पुलिस जो है बेहतर कार्य कर रही है अदर स्टेट के कंपैरिजन में। अगर हम यहाँ पर बात करें छत्तीसगढ़ के रूरल एरिया के, कुछ वैल्यू एडिशनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर ले लेते हैं। छत्तीसगढ़ की अगर हम रूरल यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो यहाँ पर लगभग 63,000 पॉपुलेशन पे एक पुलिस स्टेशन है, और अगर हम वही अर्बन एरियाज की बात करें तो यहाँ पर लगभग 95,000 पॉपुलेशन पे एक पुलिस स्टेशन है। ये आपका काम वैल्यू एडिशन में कर सकता है मेंस के एग्जामिनेशन में, तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर छत्तीसगढ़ में जितने भी पुलिस स्टेशन हैं और उस पुलिस स्टेशन में जितने भी पुलिसकर्मी हैं या फिर छत्तीसगढ़ में जितने भी पुलिसकर्मी हैं, उन पुलिसकर्मी की ट्रेनिंग पर खर्च लगभग यहाँ पर 5,800 रुपये किया जाता है। इस रिपोर्ट में ही इन बातों का उल्लेख है, तो इसका आप यूज़ वैल्यू एडिशन के तौर पर कर सकते हो। जब भी छत्तीसगढ़ में जस्टिस से रिलेटेड क्वेश्चन अटेम्प्ट हो या फिर छत्तीसगढ़ में कहीं भी पुलिस से रिलेटेड अगर लगता है कि आपको यहाँ पर वैल्यू एडिशन करना चाहिए कि छत्तीसगढ़ में सुरक्षा से संबंधित किस प्रकार से व्यवस्थाएँ हैं, तो इन सारी बातों को आप वहाँ पर मैंशन कर सकते हो। चलिए यहाँ पर अगला पॉइंट हम देख लेते हैं। जैसे हमने एक कैटेगरी इसी रिपोर्ट का डिस्कस किया, किसमें, पुलिसिंग में, तो अगला है आपका जेल से संबंधित कि छत्तीसगढ़ में जेल से संबंधित सुविधाएँ किस प्रकार से और वहाँ पर कैदियों को किस प्रकार से ट्रीट किया जाता है। इन सब आधार पे इसी रिपोर्ट में जेल की भी रैंकिंग दी गई है, जिसमें अगर आप यहां पर देखोगे तो छत्तीसगढ़ की जो रैंकिंग है 2019 में 8वां था और 2020 में 11वां है, यानी कि पिछले साल से काफी नुकसान हुआ है इस रैंकिंग में। अगर पहले नंबर पे हम बात करें तो राजस्थान आ जाता है, और दूसरे नंबर पे आ जाता है तेलंगाना, और तीसरे नंबर पे आ जाता है आपका बिहार। अगर वहीं हम ओवरऑल रैंकिंग देखें इस रिपोर्ट की, पुलिसिंग में सेकंड रैंक था, जेल में आपका यहाँ पर छत्तीसगढ़ का टोटल 11th रैंक है। अगर हम ओवरऑल रैंकिंग की बात करें तो ओवरऑल रैंकिंग में छत्तीसगढ़ को 2019 में 10वें स्थान पर रखा गया था और 2020 में जो है वो आपका 7वें स्थान पर रखा गया है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। एक कैटेगरी और बच जाता है, इसे भी आप देख लीजिए। ज्यूडिशरी रैंकिंग की अगर हम बात करें, छत्तीसगढ़ में ज्यूडिशरी से रिलेटेड किस प्रकार से व्यवस्थाएं हैं, किस प्रकार से ज्यूडिशरी से संबंधित लोगों को सुविधाएं दी जा रही है, तो इसके नंबर में अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ का जो रैंक है 2019 में 12वें स्थान पर था और 2020 में छत्तीसगढ़ जो है वो 4th नंबर पे है। क्लियर है। इसके अलावा लीगल एड रैंकिंग में अगर हम बात करें तो यहां पर छत्तीसगढ़ की जो रैंकिंग है वो आपका है 15वां और 2019 में 8वें रैंक पे था। क्लियर है। तो ये चार कैटेगरी में रैंकिंग याद रखिएगा, सबसे पहले लीगल एड रैंकिंग, उसके बाद ज्यूडिशरी रैंकिंग, उसके बाद पुलिसिंग और उसके बाद जेल से रिलेटेड रैंकिंग ऑफ रैंकिंग और ओवरऑल जो रैंकिंग है इस पर भी आपको नजर रखना है। इंपॉर्टेंट हो जाता है, वैल्यू एडिशन में काफी जगह आपको काम आएगा, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला हमारा टॉपिक कौन सा है, तो अगला है लघु वनोपज खरीदी में छत्तीसगढ़ को पूरे देश भर में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, यानी कि 2020 और 21 में छत्तीसगढ़ ने पूरे देश भर में सबसे ज्यादा लघु वनोपज की खरीदी की है। किस प्रकार से, ये डेटा यहाँ पर ध्यान रख लीजिएगा। तो पूरे देश भर में जितने भी लघु वनोपज की खरीदी की गई है, यानी कि माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस की खरीदी की गई है, उसमें से 73% अकेले छत्तीसगढ़ द्वारा खरीदा गया है। और अब तक के पूरे जितने भी साल से लघु वनोपज खरीदे जा रहे हैं उसमें से सबसे ज़्यादा आंकड़ा जो है इस वर्ष है, यानी कि 73% अकेले छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा वनोपज की खरीदी की गई है। ठीक है, और एक बात और ध्यान रखिएगा कि छत्तीसगढ़, आपको पता है कि पूरे देश भर में इकलौता ऐसा राज्य है जो सबसे ज़्यादा लघु वनोपज की खरीदी कर रहा है। अभी प्रेजेंट टाइम पर अगर ये डेटा देखोगे तो छत्तीसगढ़ सरकार जो है टोटल 52 लघु वनोपज की खरीदी कर रही है सपोर्ट प्राइस पर। क्लियर है।
तो ध्यान रखिएगा, अगर हम 2018 तक की बात करें तो लगभग 7 लघु वन उपज पर खरीदी की जाती थी सपोर्ट प्राइस पर, और अभी वर्तमान समय में 52 लघु वन उपज पर जो है खरीदी की जा रही है मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर, और देश में सबसे ज़्यादा जो वन उपज है वो छत्तीसगढ़ में खरीदा जा रहा है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। वन उपज से रिलेटेड यहाँ पर एक बात और ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, तेंदुपत्ता जो पहले 2500 रुपये प्रति मानक बोरा से खरीदी किया जा रहा था, अभी वर्तमान समय में जो है 4000 रुपये प्रति मानक बोरा से तेंदुपत्ता खरीदा जा रहा है, और इससे लगभग प्रदेश के 12.5 लाख जो तेंदुपत्ता संग्राहक हैं उनको लाभान्वित किया जा रहा है। इसके अलावा आप ये भी याद रखिएगा कि तेंदुपत्ता सामाजिक सुरक्षा योजना एक शुरू किया गया है, एक बीमा योजना है, ताकि तेंदुपत्ता संग्राहक में जो भी परिवार लगे हुए हैं उनको बेनिफिट दिया जा सके। तो उस योजना का नाम क्या है उसे भी ध्यान रखिएगा। तो शहीद महेंद्र कर्मा तेंदुपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना, उस योजना की शुरुआत कब हुई थी, तो उस योजना की शुरुआत हुई थी, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, 5 अगस्त 2020 को, यानी कि महेंद्र कर्मा जी के जन्मदिवस के अवसर पर। क्लियर है? चलिए, तो अगला जो हमारा टॉपिक है, डॉक्टर राधेश्याम बारले जी को पद्मश्री 2021 के लिए चयनित किया गया है। इसका अनाउंसमेंट कब किया गया पद्म अवार्ड का, तो 25 जनवरी 2021 को इसका अनाउंसमेंट किया गया, और इसके तहत में छत्तीसगढ़ के एकमात्र व्यक्ति का चयन किया गया है पद्म अवार्ड के लिए, और पद्म अवार्ड का नाम है पद्मश्री। किसे दिया जाएगा, तो छत्तीसगढ़ के ख्याति प्राप्त पंथी नर्तक है डॉक्टर राधेश्याम बारले, इन्हें जो है पद्मश्री 2021 से सम्मानित किया जाएगा, इनका चयन किया गया है। और आपको ये भी याद रखना है कि पद्म अवार्ड का जो चयन है या फिर पद्म अवार्ड कौन से मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है, तो वो भारत सरकार के गृह मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है। इस बात को भी आपको ध्यान रखना है, यहाँ से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाले सबसे सर्वोच्च पदक की बात करें तो भारत रत्न है, उसके बाद पद्म विभूषण आता है, उसके बाद पद्म भूषण आता है, उसके बाद पद्मश्री आता है, तो ये सीक्वेंस भी आपको पता होना चाहिए। डॉक्टर बारले की अगर हम बात करें तो लोक कला पंथी नृत्य के ख्यात नर्तक हैं, और पंथी नृत्य के माध्यम से उन्होंने बाबा गुरु घासीदास के संदेशों को देश दुनिया में प्रचारित किया और प्रसारित करने में अपना अमूल्य योगदान दिया है। ये है आपके पंथी नर्तक राधेश्याम बारले। अगर हम इनसे रिलेटेड कुछ और यहां पर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखें, तो इनका जन्म जो है दुर्ग जिले के पाटन तहसील के ग्राम खोला में 9 अक्टूबर 1966 को हुआ था, और इन्होंने MBBS के साथ ही इंदिरा कला विश्वविद्यालय से लोक संगीत में डिप्लोमा भी किया है। तो इनके बारे में भी, डॉक्टर बारले के बारे में भी आपको यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स याद होना चाहिए। और किन्हें पद्मश्री 2021 से, यानी कि कौन से ऐसे व्यक्ति हैं छत्तीसगढ़ के जिन्हें पद्मश्री अवार्ड 2021 के लिए नामित किया गया है या सम्मानित किया गया है, तो इनका नाम आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर? अगला टॉपिक, छत्तीसगढ़ में लाख की खेती को अब कृषि का दर्जा दिया गया है। बहुत पहले से अनाउंस था कि छत्तीसगढ़ में लाख की खेती को कृषि का दर्जा दिया जाएगा, फाइनली इस पर अप्रूवल मिल चुका है और लाख की खेती को छत्तीसगढ़ में कृषि का दर्जा दे दिया गया है। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, आप यहाँ पर कभी भी कृषि से संबंधित अगर मेंस में किसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हो, तो सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों में लाख की खेती को वहाँ पर वैल्यू एडिशन के तौर पर आप शामिल कर सकते हो। अब लाख की खेती को कृषि में शामिल किए जाने से बहुत सारे फायदे हो सकते हैं। कैसे फायदे हो सकते हैं कि अब कृषि का दर्जा जब लाख को दे दिया गया है, तो लाख की खेती करने वाले किसान यहाँ पर ऋण ले सकते हैं बैंकों से, यानी कि लोन ले सकते हैं और लाख की खेती के पैदावार को बढ़ा सकते हैं। तो ये डायरेक्ट एक बेनिफिट है किसानों को जो लाख की खेती करते हैं, कि वो अब बैंकों से लोन भी ले सकते हैं जब इसे कृषि का दर्जा मिल गया है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को आप याद रखिएगा। और लाख की खेती को कृषि का दर्जा कब दिया गया, तो इस डेट को अगर याद रखना चाहो तो रख सकते हो, 18 जनवरी 2021 को, और इसे प्रदेश के किसानों को, लगभग 50,000 किसानों को डायरेक्ट फायदा मिलने वाला है। अगर अभी तक हम प्रेजेंट टाइम में बात करें कि छत्तीसगढ़ में लाख का उत्पादन किस प्रकार से होता है, फिर छत्तीसगढ़ में लाख की खेती किस प्रकार से किया जाता है, तो अभी वर्तमान समय में लगभग 4500 टन लाख का उत्पादन किया जाता है। चूंकि अब लाख की खेती को कृषि का दर्जा दे दिया गया है, तो इससे लगभग उत्पादन जो है 10,000 टन तक पहुंचने का उम्मीद लगाया जा रहा है। याद रखिएगा, वैल्यू एडिशन भी कर सकते हो, प्रीलिम्स में भी पूछा जा सकता है। अगला टॉपिक है इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020, यानी कि भारत नवाचार सूचकांक 2020। इसका भी इस्तेमाल आप
मेंस में भी कर सकते हो, आंसर राइटिंग में भी, वैल्यू एडिशन के तौर पर कर सकते हो। जब कभी भी टेक्नोलॉजी की बात हो, जब कभी भी इनोवेशन की बात हो, जब कभी भी नवाचार की बात हो, तो आप जब कभी भी आंसर आप लिख रहे हो तो इस नवाचार से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, जो भी इंपॉर्टेंट डेटा है, आप इसका इस्तेमाल मुख्य परीक्षा में बिल्कुल कर सकते हो और प्रीलिम्स के लिए यानी कि वन डे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट तो है ही। तो सबसे पहले याद रखिएगा कि इंडिया इनोवेशन इंडेक्स यानी कि भारत नवाचार सूचकांक को किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो इसे जारी किया जाता है नीति आयोग द्वारा। हाल ही में जारी किया गया है, पहला एडिशन यानी कि पहला संस्करण 2019 में जारी किया गया था और यह इसका दूसरा संस्करण ही है। इस इंडेक्स को रिलीज करने के पीछे का जो उद्देश्य है कि हमारे देश में इनोवेशन में कंपटीशन को बढ़ाया जा सके, इनोवेशन में अलग अलग तरीकों को अपनाया जा सके, अलग अलग तरीके से रिसर्च हो सके, इसीलिए इनोवेशन इंडेक्स को तैयार किया जाता है नीति आयोग द्वारा, ताकि राज्यों के बीच में भी कॉम्पिटिशन यानी कि प्रतिस्पर्धा बढ़ सके। यह सूचकांक जो है नीति आयोग द्वारा द इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस के सहयोग से जारी किया जाता है। इस सूचकांक को जो है नीति आयोग द्वारा द इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस के सहयोग से जारी किया जाता है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। अगर पूरे देश भर में इस इंडेक्स के टॉप स्टेट्स की बात करें तो कौन सा राज्य प्रथम स्थान पे है, उसके बाद कौन से राज्यों की स्थिति है, तो दूसरी बार लगातार कर्नाटक पहले स्थान पे है, इसका स्कोर 42.5 स्थान है, 42.5 है। दूसरे नंबर पे आपका महाराष्ट्र है 38.03 के साथ, तीसरे नंबर पे तमिलनाडु है 37.91 के साथ, और बाकी स्टेट्स के पोजीशन किस प्रकार से हैं आप यहाँ पर देख सकते हो। तो ये तो बात हो गई टॉप स्टेट्स की इनोवेशन इंडेक्स पे। आगे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जानते हैं छत्तीसगढ़ की स्थिति भी जानेंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये भी ध्यान रखना होगा ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में पूरे इंडिया का स्थिति किस प्रकार से है। और ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स को रिलीज किया जाता है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के द्वारा, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स को रिलीज किया जाता है। तो पिछले 5 वर्षों का ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग दी हुई है, खासकर आपको 2020 का याद रखना है, स्कोर है 35.6 और रैंकिंग है इंडिया का 48 और टोटल कंट्रीज को जो शामिल किया गया है इस इनोवेशन इंडेक्स में वह है 131। अलग अलग ईयर वाइज भी आप यहां पर देख सकते हो कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में इंडिया की स्थिति किस प्रकार से है। अगले टॉपिक की तरफ अगर हम बढ़ें तो यहां पर इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में भारत के जितने भी राज्य हैं, चाहे छोटे राज्य हैं, चाहे बड़े राज्य हैं या फिर केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला कैटेगरी बड़े राज्यों का, उसके बाद जो दूसरा कैटेगरी है छोटे राज्य कह लो या फिर जो पहाड़ी क्षेत्र वाले राज्य हैं उनको दूसरे कैटेगरी में रखा गया है, और तीसरे कैटेगरी में है यूनियन टेरिटरीज को शामिल किया गया है। तो छत्तीसगढ़ आपका कहाँ आ जाता है, छत्तीसगढ़ आ जाता है आपका बड़े राज्यों की श्रेणी में। ठीक, अब यहाँ पर इसके कुछ पैरामीटर्स की भी बात कर लेते हैं कि इस इनोवेशन इंडेक्स के पैरामीटर्स किस प्रकार से हैं। तो आपको यहाँ पर 5 टाइप के पैरामीटर्स मिल जाएंगे। सबसे पहला ह्यूमन कैपिटल, उसके बाद इन्वेस्टमेंट, उसके बाद सेफ्टी एंड लीगल एनवायरनमेंट, बिजनेस एनवायरनमेंट और फिर नॉलेज वर्कर्स। यानी कि इस 5 पैरामीटर पर तय किया जाता है उस राज्य का नवाचार के क्षेत्र में किस प्रकार से कार्य कर रहा है या फिर इनोवेशन के मामले में वो राज्य कहाँ खड़ा है, इस 5 पैरामीटर पे तय किया जाता है। अब यहाँ पर हम बात कर रहे थे टॉप स्टेट्स की रैंकिंग तो हमने देख लिया था, और छत्तीसगढ़ की जो रैंकिंग है वो है 16th, ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। छत्तीसगढ़ की रैंकिंग यानी कि छत्तीसगढ़ राज्य की स्थिति कुछ बेहतर नहीं है, नीचे से 2nd पोजीशन पे है छत्तीसगढ़, और नीचे से यानी कि सबसे अंतिम पायदान पे है बिहार, उसके बाद आ जाता है छत्तीसगढ़ का नंबर। तो इस क्षेत्र में छत्तीसगढ़ को बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है इनोवेशन के क्षेत्र में, अलग अलग रिसर्च कर सकता है, अलग अलग डेवलपमेंट का कार्य कर सकता है, ह्यूमन कैपिटल को बढ़ा सकता है, ह्यूमन रिसोर्सेज को बढ़ा सकता है, बहुत सारे क्षेत्र में इनोवेशन का काम छत्तीसगढ़ को करना चाहिए और करने की आवश्यकता है। छत्तीसगढ़ का अगर हम स्कोर देखें तो 15.77 आउट ऑफ 100 यानी कि बहुत लोएस्ट है। ठीक है, तो याद रखिएगा इसका 16th रैंक, वैल्यू एडिशन के तौर पे भी कर सकते हो और वन डे एग्जाम के लिए भी आपको याद रखना है। क्लियर, चलिए अगला जो हमारा टॉपिक है प्रदेश का पहला पक्षी महोत्सव, बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान रखिएगा। तो कहाँ इसका आयोजन किया गया, गिधवा, परसदा और नदवा गांव में प्रदेश का पहला पक्षी महोत्सव शुरू किया गया है। कब से, 31 जनवरी से शुरू किया गया है, कब तक चलेगा, 2 फरवरी तक चलेगा, यानी कि 3 दिवसीय यह महोत्सव है, पहला महोत्सव है और प्रदेश का इकलौता पक्षी महोत्सव है, इसलिए आपको याद रखना है। यहाँ इसकी तैयारियां जो है वो वन विभाग द्वारा किया गया, छत्तीसगढ़ वन विभाग द्वारा। गिधवा की अगर हम बात करें तो यहाँ 150 प्रकार के पक्षियों का अनूठा संग्रह है। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे प्रवासी पक्षियों का आगमन भी होता है दूसरे देशों से, और इसके अलावा परसदा में भी 125 एकड़ में
का जो जल भराव है उस क्षेत्र में बहुत सारे पक्षियों का आना जाना होता है। यह क्षेत्र प्रवासी पक्षियों का अघोषित अभयारण्य माना जाता है। हालांकि सरकार की तरफ से पक्षी अभयारण्य घोषित नहीं किया गया है, लेकिन मानना ऐसा है कि आप इसे अघोषित अभयारण्य कह सकते हो, क्योंकि यहाँ पर बहुत अधिक पक्षियों का आना जाना लगा रहता है। और सर्दियों की दस्तक के साथ अक्टूबर से मार्च के बीच यहाँ यूरोप, मंगोलिया, बर्मा और बांग्लादेश से बहुत सारे पक्षी जो हैं वो पहुंचते हैं। ये कंट्री का नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है, यूरोप, मंगोलिया, वर्मा और बांग्लादेश, ये चार कंट्री से यहाँ पर गिधवा, परसदा और नगदा में बहुत सारे पक्षियों का प्रवास होता है। कौन से महीने तक? अक्टूबर से लेके मार्च तक। अब कुछ यहाँ पर प्रवासी पक्षियों के बारे में आप जान लेते हैं जो यहाँ पर सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, जिसमें से सबसे पहला है कॉमन पेचार्ड, इसके अलावा नॉर्थ पेंटेल और इसके अलावा फेरेजुनस पेचार्ड। तो इस प्रकार से इन पक्षियों के बारे में भी आप यहाँ पर जान सकते हो। यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में ये पक्षियाँ पाई जाती हैं, या फिर अक्टूबर से लेकर मार्च के बीच में यहाँ पर ये खासकर तीन कैटेगरी के पक्षी बहुत ज़्यादा दिखाई देते हैं। ठीक, चलिए अगला है राज्य पुलिस अकेडमी का नाम जो है वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर रखे जाने की घोषणा हाल ही में मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी द्वारा किया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में जान लेते हैं। हाल ही में इनकी 125वीं जयंती मनाई गई। इनके जन्म की अगर हम बात करें तो इनका जन्म हुआ था 18 जनवरी 1897। अगर हम इनके मृत्यु की बात करें तो इनकी मृत्यु हुई थी 18 अगस्त 1945। ठीक, तो इनका जन्म और इनके मृत्यु से संबंधित आप याद रखिएगा। और सुभाष चंद्र बोस जी द्वारा एक बहुत प्रसिद्ध नारा भी दिया गया था जो कई बार एग्जाम में पूछा भी गया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। और एक सवाल आप लोग मुझे दीजिए कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा कौन से फौज की स्थापना की गई है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है, तो आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। तो हम बात कर रहे थे राज्य पुलिस एकेडमी, जो कि आपका रायपुर के चंदखुरी में स्थित है, उस एकेडमी का नाम अब सुभाष चंद्र बोस जी के नाम पर होगा, ऐसा घोषणा जो है इनके 125वीं जयंती के अवसर पर मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी द्वारा किया गया है। क्लियर, चलिए अगला जो टॉपिक है सुपोषण संघ स्वरोजगार पुस्तक का विमोचन हाल ही में मुख्यमंत्री जी द्वारा किया गया है। ये कहां से किया गया? तो दंतेवाड़ा के हाई स्कूल खेल मैदान में आम सभा में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा तैयार की गई सुपोषण संघ स्वरोजगार पुस्तक का विमोचन किया गया है। तो इस पुस्तक से रिलेटेड आपसे यहां पर यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि हाल ही में सुपोषण संघ स्वरोजगार पुस्तक किसके द्वारा तैयार किया गया है? तो आपको नाम पता होना चाहिए, महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा किया गया है। ठीक है, या फिर सुपोषण से संबंधित भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। छत्तीसगढ़ में कुपोषण को खत्म करने के लिए सुपोषण अभियान की शुरुआत 2 अक्टूबर 2019 से पूरे प्रदेश में किया गया, और इससे भी पहले पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर दंतेवाड़ा से इस स्कीम को शुरू किया गया था। तो इस तरह से भी आप यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को याद रख सकते हो। क्लियर, तो पुस्तक का नाम याद रखिएगा और कौन से डिपार्टमेंट की तरफ से इस पुस्तक को तैयार किया गया है इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। अगला टॉपिक है राष्ट्रीय ऑनलाइन कला उत्सव। इस क्षेत्र में छत्तीसगढ़ को जो है एक कैटेगरी में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। तो सबसे पहले आप याद रखिएगा कि इस ऑनलाइन कला उत्सव का आयोजन किसके द्वारा किया गया था? तो इसका आयोजन किया गया था HRD मिनिस्ट्री के द्वारा, यानी कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा। ठीक है, राष्ट्रीय स्तर का यह आयोजन था और छत्तीसगढ़ को जो है एकल वादन शास्त्रीय संवर्ग में, कैटेगरी याद रखिएगा कि कौन से कैटेगरी में छत्तीसगढ़ को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, तो एकल वादन शास्त्रीय संवर्ग में छत्तीसगढ़ को पूरे देश में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। और यह प्रथम स्थान अगर व्यक्तित्व के आधार पर आपसे पूछा जाता है कि छत्तीसगढ़ के कौन से व्यक्ति को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, तो इंडियन पब्लिक स्कूल रायगढ़ के कक्षा 12वीं के छात्र हैं जिनका नाम है विवेक देवांगन, इनको ही एकल वादन शास्त्रीय संवर्ग में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। क्लियर है, तो इस तरह से यहाँ पर इतने फैक्ट्स को याद रखिएगा। भारत के सभी राज्यों को इसमें शामिल किया गया था, सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल किया गया था, और इसके अलावा नवोदय संगठन, केंद्रीय विद्यालय समिति सहित 576 प्रतिभागी इस सम्मेलन में हिस्सा लिए थे, यानी कि इस प्रतियोगिता में हिस्सा लिए थे। ठीक है, चलिए इसके बाद आज के इस एनालिसिस वीडियो का जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो है देश की सबसे लंबी ट्रेन, मालगाड़ी चलाया गया एक सबसे लंबा, जिसका नाम है वासुकी। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका वन डे एग्जाम के लिए। वासुकी से पहले जो सबसे लंबी मालगाड़ी चलाई गई थी, जो सबसे लंबी ट्रेन चलाई गई थी,
उसका नाम था शेषनाग। उसे भी छत्तीसगढ़ में ही भिलाई से कोरबा तक चलाया गया था, उसे भी और वासुकी को भी चलाया गया था। तो इससे रिलेटेड यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बनते हैं उसे देख लीजिए। तो रेलवे ने देश की सबसे लंबी ट्रेन वासुकी चलाकर एक और कीर्तिमान स्थापित कर लिया है। यह ट्रेन 3.5 किलोमीटर लंबी है, याद रखिएगा, और इसे खींचने के लिए 5 इंजन को लगाया गया है और इसमें टोटल 295 डिब्बे हैं, यानी कि 295। इससे पहले भारत में जो लंबी ट्रेन चली थी उसे शेषनाग का नाम दिया गया था। इसमें 4 ट्रेनों को जोड़कर चलाया गया था और शेषनाग से पहले भी एक लंबी ट्रेन चलाई गई थी, उसका नाम था एनाकोंडा, जिसमें 3 इंजन को लगाकर ट्रेनों को खींचा गया था। और यह ट्रेन जो है यानी कि वासुकी रायपुर रेल मंडल के भिलाई से बिलासपुर रेल मंडल के कोरबा के लिए चली, यानी कि भिलाई से लेकर कोरबा तक चलाया गया। याद रखिएगा नाम सबसे लंबी ट्रेन अभी है वासुकी, लंबाई 3.5 किलोमीटर, कहां से कहां तक चली, कोरबा से भिलाई से कोरबा, ठीक। और इसे भिलाई से कोरबा पहुंचने में लगभग 7 घंटे का वक्त जो है वो लगा है। तो ये था हमारा आज का छत्तीसगढ़ करंट अफेयर का एनालिसिस वीडियो, जिसमें हमने लगभग 10 टॉपिक एनालिसिस किया है। इसके बाद अब रेगुलर बेसिस पे आपको वीकली करंट अफेयर मिलता रहेगा। अब 10 दिन नहीं करेंगे, 15 दिन नहीं करेंगे, जो भी डिले हुआ हुआ, अब बिल्कुल भी नहीं होगा। तो अगर आप आने वाले समय में किसी भी छत्तीसगढ़ के कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, चाहे व्यापम हो गया, चाहे CGPSC के अलग अलग एग्जाम्स हो गए, इन सब के लिए आप यहाँ से बेहतर तरीके से तैयार कर सकते हो। ना सिर्फ वनडे एग्जाम के लिए, बल्कि आपको यहाँ पर मेन्स से रिलेटेड भी करंट अफेयर प्रिपेयर कराया जाएगा। इसके अलावा हमारा जो नेशनल करंट अफेयर चल रहा है वो भी आप लोग रेगुलर अटेम्प्ट करते रहिएगा, वहाँ से भी आपको बेहतर तरीके से प्रिपेयर करके हर एक चीज़ को दिया जाएगा। इससे रिलेटेड अगर आपको PDF चाहिए, इस लेक्चर का अगर आपको PDF चाहिए तो वो मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, कल अपलोड कर दिया जाएगा। एक दिन के बाद हम PDF अपलोड कर देते हैं। टेलीग्राम से अभी तक नहीं जुड़ा है तो टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, या इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में भी मैं पिन करा दूंगा, तो आप लोग वहां से टेलीग्राम से जुड़कर इस लेक्चर का PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो फिलहाल इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू वेरी मच। CGPSC की संपूर्ण तैयारी के लिए कॉम्पिटिशन कम्युनिटी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डेली अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।